आप कहाँ रहती हैं? पप्पू हड़वान है, पप्पू बीवी की बड़ी बहन है। क्या नाम है आपका? गीता नाम है। क्या हो गया था, पता है क्या हो गया था? हमें कुछ पता ही ना है, हमें तो बस देखा ना है अस्पताल में। आपको सूचना कितने भी मिली? हम तो मिले थे अस्पताल में। कब मिले थे? दो तीन बार देख गए थे उनके लिए। अच्छा, जैसे हम आप पता चली हमें सवेरे इनके। ठीक में कि एक टेम्पो ड्राइवर को उन लोगों ने मारा था, जबकि उन आरोपियों के खिलाफ 307 और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। क्या मामला है, आज उसकी डेथ हो गई है? मामला पहले 26/10 में हुआ था, उसमें मारपीट हुई थी दो पक्षों के बीच में, उसमें जो 307 का मुकदमा लिखा गया था, और अभी उनकी मृत्यु हो गई है 1.5 महीने बाद इलाज के दौरान। इसमें जो भी लापरवाही हुई है पुलिस की तरफ से या किसी की तरफ से, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और तुरंत अपराधी के लिए धरपकड़ के लिए टीम बनाई गई और उनकी धरपकड़ करी गई। सर, पीड़ित पक्ष का आरोप है कि वो अपराधी जो थे अक्सर चौकी पर आया जाए, वो जांच का विषय है, वो जांच में आएगा। अगर ऐसा होगा तो जो भी दोषी हैं वो बच्चे नहीं जाएंगे, और जो भी अपराधी तुरंत ही पकड़ के उनको इंसाफ दिलाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर आशीष। क्या हो गया भैया? ये हमारे स्थानीय निवासी गुसाई गोटिया में पप्पू रहते थे, इनको दीपावली के आसपास 1 महीना पहले संजय नगर में कुछ लखन नाम के व्यक्ति हैं, उनने अपने साथियों के साथ इनके साथ झगड़ा किया, मारपीट की थी, जिसमें इन्हें काफ़ी गंभीर चोटें आई थी, और इनका इलाज अस्पताल में चल रहा था, ऑपरेशन हुआ, मगर इनकी चोटों की वजह से हालत इनकी स्थिर बनी रही और उसमें कुछ सुधार नहीं हो पाया। इनका आज सुबह निधन हो गया। पुलिस की तरफ से लगातार लापरवाही देखने को मिली, जो कार्रवाई नहीं हो पाई थी, गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज किया गया था, 307 506 कुछ इस तरीके की धाराएं लगाई गई थी, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। स्थानीय पुलिस चौकी ने उनका जो विक्टिम थे उनकी मदद नहीं करी थी, इससे इन लोगों में रोष व्याप्त था, इसीलिए पोस्टमार्टम कराने के लिए लोग इनकार कर रहे थे, चाह रहे थे कि वरिष्ठ पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन मिल जाए जिससे कार्रवाई आगे बढ़े और जो अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। अभी तक पुलिस ने किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया, जिससे जनता में, स्थानीय लोगों में, परिवार में रोष व्याप्त है। क्या क्या वजह रही है जो इन्हें आज मृत्यु हुई है? ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ पैसों का लेन देन रहा था, 100-200 रुपए का कुछ विवाद था, इससे इन लोगों ने झगड़ा किया, मन नाम देखी है, पैसों के पीछे इनसे मारपीट की थी, पैसे उन्होंने वापस नहीं लौटा था, किसी कारणवश ये रहा था और झगड़ा बढ़ा था इनका। अब आप क्या चाहते हैं? परिवार के लोग चाहते हैं कि न्याय मिले, और जिन लोगों ने झगड़ा किया है, उन्हें मारा है, उन्हें गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे समाज में एक संदेश जाए कि आगे इस प्रकार की घटना गरीबों के साथ ना हो पाए।